सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। वह चाकू के 5 से 7 वार छेलती रही, तब तक उसके शरीर में हरकत दिखी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह लाश बन चुकी थी। उस हैवान के सिर पर खून सवार था, वह दनादन चाकू घोपता रहा। यह दृश्य आपको विचलित कर सकता है, लेकिन देखिएगा जरूर। यह आज के जिंदा कौम की असली तस्वीर। ब्लॉग ऑफ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली पीढ़ी किसी के दर्द को महसूस करना भूल चुकी। इस दृश्य में दिखता है कि एक बार उस दरिंदे ने चाकू मारा तो लड़की का शरीर उछल गया, लड़की दम तोड़ चुकी थी। दिल्ली में रोहिणी के शाहबाद डेयरी इलाके में हमले का शिकार हुई उस बदनसीब नाबालिग लड़की का नाम साक्षी था। हत्यारे ने 20 बार चाकू से वार किए, उसके बाद भी उसका शैतानी दिमाग शांत नहीं हुआ। बाद में उसने पत्थर से भी उसका सिर कुचल दिया। मंजर ऐसा था कि खौफ भी कांप जाए। 16 साल की साक्षी का सरेआम मर्डर हो जाता है और दिल्ली देखती रहती है। यह दृश्य काफी शर्मनाक है। आरोपी का नाम साहिल है, पुलिस उसे ढूंढ लेगी, पर वीडियो में दिख रहे कुछ 10 लोगों को कल रात नींद कैसी आई होगी। माफ करना साक्षी, हमारी इंसानियत मर चुकी है। कल शाम साक्षी के साथ वहाँ मौजूद उन 10 लोगों की इंसानियत भी मर गई थी, जिस गली में यह सनकी साहिल चाकू मार रहा था। वहाँ करीब 5 से 6 लोग और 3 से 4 महिलाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी ने उस हमलावर को रोकने की जहमत नहीं उठाई। एक शख्स ने चाकू बाज को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में वह भी भाग गया। एक बार फिर से नाबालिग की हत्या का यह शर्मनाक दृश्य देख लीजिएगा। इस बार उन लोगों को देखिए जो पास से गुजर रहे होते हैं। ऐसे लोग मिले तो इन्हें मुर्दा कह दीजिएगा। लड़के को अगर 2 लोग पकड़ लेते तो शायद साक्षी की जान बच जाती। पार्किंग में जगह जगह के लिए सुबह शाम भिड़ने वाले दिल्ली वालों का जमीर एक कत्ल को लाइव देखते हुए भी नहीं जाता। हैरानी होती है कि 2-3 लोग खड़े होकर देखते रहते हैं, मगर कोई उस लड़की को बचाने नहीं आता, जैसे मदारी का कोई खेल दिखा रहा हो। हल्की सफेद टी शर्ट वाला लड़का बड़े आराम से जेब में हाथ डाले चला जाता है। वैसे तो गली में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो या पड़ोसियों के बीच का बवाल, लोग इतने फ्री होते हैं कि गाड़ी खड़ी करके मौज लेने से नहीं चूकते। यहाँ एक लड़की की जान ली जा रही थी और ये मुर्दे बनकर देखते रहते। और 9-10 लोगों और खास तौर से महिलाओं से कोई पूछे कि क्या आपके घर की बेटी होती तो आप भी ऐसे मूर्ति बन जाते। महिलाओं का तो माँ का दिल होता है, उनका भी दिल क्यों नहीं पसीजा। अपनी जान बचाकर भागना तो ठीक था, लेकिन एक बच्ची की जान बचाने के लिए कम से कम हमलावर पर पत्थर तो फेंका होता। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि पास में कुछ पत्थर रखे हुए थे। अगर 5-7 लोग पत्थर से मारते तो लगता है वह हत्यारा रुक जाता और उसे पकड़ा जा सकता था। गले में कई लोग के घर है और उस समय 9:15 बजे थे, मतलब सब लोग सोए नहीं थे। फिर भी वहाँ किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। खबरी चौखट की रिपोर्ट।